नमस्ते बच्चों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वाक्य में जो पद संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले आता है और संज्ञा काम करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के चार प्रकार है: पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, मैं, हम, तू, तुम, आप, ये, वह, वे। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उपभेद हैं: एक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम; दो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम; तीन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, क्या, कौन, किसे, किसने। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। वाक्य में पहले आई हुई संज्ञा या सर्वनाम के निजत्व का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, स्वयं, खुद, आप। सर्वनाम का चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में आए हुए दो सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध रखते हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरणार्थ, जो, उस। दूसरा, जो, वह। तीसरा, वही, जो। धन्यवाद।